अच्छा, चैट की स्क्रीन हम फ्लैक्स बॉक्स से ही बनाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन चैट की स्क्रीन बनाने से पहले वो दोस्त पूछ रहे थे कि ये जो इमेज हमने अपलोड तो कर दी है, लेकिन इस इमेज को अगर डिलीट करना पड़ गया तो हम वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास कोड है ना सर्वर पे, वो किधर गया हमारा पोस्ट राउटर, राइट, और ये हमारा है पोस्ट जिसके अंदर हमारे पास इमेज आती थी। इसके अंदर हम कॉल करते हैं बकेट डॉट अपलोड, है ना, ये हम कॉल करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है मेरे पास? ये फायरबेस एडमिन से आ रहा है, सही है। ये फायरबेस ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये फायरबेस एडमिन है। ओ, ये रहा एडमिन डॉट इनिशियलाइज है ये, ठीक है, एडमिन डॉट स्टोरेज है ये जो चीज़ है, ये क्या है, फायरबेस एडमिन है ये, ये रहा, ठीक है। तो फायरबेस एडमिन के अंदर बकेट डॉट अपलोड का फंक्शन है जिससे ये अपलोड होता है। तो हम चल के उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, सही है, फायरबेस एडमिन डॉक्स, सही है जी, फायरबेस एडमिन के ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। अच्छा, फायरबेस एडमिन जो वो नॉट जेएस में भी है, जावा में भी, पाइथन, तो हमने नॉट जेएस वाला यूज़ किया है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, हमने इसका कौन सा पार्ट यूज़ किया है, फायर स्टोर यूज़ किया, ये रहा स्टोरेज, सही है, स्टोरेज यूज़ किया हमने। स्टोरेज के अंदर गया मैं, ओवरव्यू का बटन दबाया, सही है, ओवरव्यू का बटन दबाया तो मेरे पास ये आ गया। देखो, ये फंक्शन है ना जो हमने इस्तेमाल किए हैं, गेट डाउनलोड यू आर एल, गेट स्टोरेज, ऐसे करके, और ये जितनी भी इसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल है ना, वो सब यहाँ पे लिस्ट के तौर पे बनी हुई हैं, सही है, गेट स्टोरेज, और वो अपलोड का भी आ रहा होगा यहाँ पे भी। अच्छा, ये, अच्छा, असल में मैं ये जिस डॉक्यूमेंट में हूँ ना, ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में ना एक्सप्लेनेशंस नहीं होती हैं, बस सीधे सीधे उस फंक्शन के नाम होते हैं। अब ये रेफरेंस वाले में नहीं हम चलते हैं उसमें, यार ये कहाँ चला गया, डॉक्स, स्टोरेज, ये रहा, बिल्ड के अंदर जाके स्टोरेज है। हम इस डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं ना, यहाँ पे हमें शायद बेटर वो मिल जाए, एडमिन, ये रहा स्टोरेज के अंदर एडमिन, गेट स्टार्टेड, हाँ, तो ये है इसका वो डॉक्यूमेंटेशन। इनिशियलाइज ऐप हमने इस तरह इनिशियलाइज किया इसको ऑब्वियसली, ठीक है, स्टोरेज डॉट बकेट करके उसको हमने इसका हैंडल यहाँ पे पकड़ लिया, और इस हैंडल पे डॉट अपलोड कॉल किया था हमने, तो उससे क्या हुआ था, अपलोड हो गया था वो। अच्छा, ये बकेट बनाने का ही मज़ीद तरीके दिखा रहे हैं, और अच्छा अपलोड का फंक्शन इन्होंने कहाँ पर बताया यार। अच्छा, इन्होंने ये एग्जिस्टिंग फाइल को ना डाउनलोड करना यहाँ बता रहे हैं, कि कोई फाइल पहले से वहाँ मौजूद थी उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उस फाइल के नाम से उसको ये गेट करके लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक करके इसने बोल दिया कि यार गूगल क्लाउड की जो क्लाइंट लाइब्रेरीज है ना वो आप देख लो, तो ये क्लाइंट लाइब्रेरीज के ऊपर मैं गया, अगर यार क्या बकवास है, कहीं सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ इन्होंने यार, अल्लाह की कसम। ये आ गया मोर एग्जाम्पल्स, अच्छा एग्जाम्पल्स डायरेक्ट बना के दी हुई हैं, क्रिएट बकेट्स, अपलोड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फाइल सिस्टम। तो ये मैं अपलोड ऑब्जेक्ट को ज़रा नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया हुआ है। अबे भाई, एक तो मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जब भी आता हूँ मैं गुम हो जाता हूँ, इतनी इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स में, सीधा सीधा बता ही नहीं रहे, ठीक है, हाउ टू डिलीट, आना पड़ता है वापस चैट जीपीटी पे, हाउ टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम फायरबेस स्टोरेज, विथ फायरबेस एडमिन नॉट जेएस, वही है। अब इससे पूछ लेते हैं अभी चुप करके, बजाय उसके अंदर हम जाएं जाके जरा मत्था पूरा फोड़ें अपना उसके साथ।
अच्छा बकेट तो इसने उसी तरह पकड़ना बताया जिस तरह हमने किया था, ठीक है, तो कुछ लग रहा है कि ठीक है। अच्छा बकेट डॉट फाइल और फाइल टू डिलीट और डॉट डिलीट। अच्छा ये जो पाथ टू करके जेपीजी है ना, इसका मतलब क्या है, हमने जो रखा था ना हमारे केस में, हमने क्या रखा था, हमने यहाँ पे आके देख लेते हैं ना क्या रखा था इसका नाम। नहीं अपलोड करते हुए एक पाथ दिया था हमने, अच्छा ये हमने दिया था पाथ, ठीक है फाइल का पाथ। अच्छा और ये हमने दिया था डेस्टिनेशन पाथ, तो हम स्लैश प्रोफाइल ये फोल्डर बनेगा इस नाम से और उसके बाद इस नाम से फाइल बनेगी, तो मुझे ये वाली चीज़ इसको देनी पड़ेगी, ये डिलीट वाले को, डॉट डिलीट को, यानी फायरबेस के बकेट में जो उसका पाथ है ना वो देना पड़ेगा, तो उससे वो डिलीट हो जाएगा। सही है, इस जगह पे बकेट डॉट फाइल और उसके अंदर ये ऐसे करके करना पड़ेगा, बस सही है, परफेक्ट है, इसने बता दिया। ये इसको करके देख लेना, ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड भी हो गया, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो करता हूँ, तो इसको करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो पूछ लेना मुझसे, इसी से ही पूछ लेना मुझसे, क्या पूछोगे। इसने देख रहे हो सिंपल बता दिया इसने, अब ये चीज़ पता नहीं उन्होंने डॉक्यूमेंट में किधर की हुई है यार, इनको मैं बोलता हूँ तो इनकी हट जाती है, इन्होंने मुझे अपने गिटहब के उससे भी ब्लॉक मारा हुआ है। मैंने इनको बोला भाई आपकी डायलॉग फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थी इनकी, यही मसला था कि फंक्शन ढूंढो कुछ पता नहीं होता कुछ और था, तो बस इन्होंने बोला भाई आपने ना बहुत रूड बोला है, तो आप ब्लॉक कर दिया मेरे को इन्होंने। अब देखो अभी दोबारा वही यहीं पर वही हालत हुई हुई है। अच्छा चलो छोड़ो यार, हम आके चैट की स्क्रीन बनाते हैं। चैट की स्क्रीन पे आ गया मैं, चैट डॉट जे एस एक्स। अच्छा स्क्रीन बनाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कोई भी स्क्रीन बनानी होती है सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। जब भी कोई यूआई, जब भी कोई लेआउट मुझे बनाना होता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी मैं एक इसका मैं एक मैप बनाता हूँ, एक ड्राइंग बनाता हूँ कि किस तरह से होगा ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और किस पे, बल्कि मैं फिग्मा पे कर रहा था आजकल ना, फिग्मा जैम पे आजकल मैं ये सब ड्राइंग कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, लॉग आउट कैसे हो गया यार ये, ये बड़ा मसला है इसके अंदर, खुलता बहुत देर में है उस्ताद ये, बस ये मैं इसको अनइंस्टॉल करने वाला हूँ इस रीज़न के तहत। अच्छा भाई तो ये मेरे पास मेरी आ गई मेरी स्क्रीन, सही है, और मेरी स्क्रीन का कलर मैंने कह दिया कि यार ये कलर है। अच्छा इस स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या चाहिए, एक अदद, एक अदद मुझे चाहिए नीचे टेक्स्ट बॉक्स है ना, मुझे इस स्क्रीन के अंदर अपने चाहिए एक अदद टेक्स्ट बॉक्स ना, इस तरह से, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए राइट, इसी तरह का होता है। अच्छा ऊपर जो नेविगेशन बार मेरी बनी हुई है वो काइंड ऑफ, चलो उसको भी हम यहाँ पे एक रेप्लिकेशन कर लेता हूँ कि ये मेरा ना ऊपर नेविगेशन बार है, लेकिन ये मतलब ऐसी प्लेस होल्डर है, इसको भी ऊपर वाले को मैं देख नहीं रहा एक्चुअली, मेरा जो मेन कंसर्न है इस वक्त वो नीचे वाला है। अच्छा उसके बाद मेरे पास जो है ना एक अदद मुझे सेंड का बटन चाहिए ऑब्वियसली, सही है, सेंड का बटन मेरे पास मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, सही है, ये मैंने एक चुनना मुन्ना सा, ये क्या सीन है यार,
अबे भाई ये पता नहीं कौन सा सेंड का बटन है, ये सेंड होने को ही तैयार नहीं है। पेंसिल से बना देता हूँ ना सेंड का बटन। इस तरह का एक सेंड का बटन होगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होगा भाई, उसके बाद हमारे पास होगा एक बलून होगा चैट का, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से होगा। एक चैट का बलून इधर होगा और एक चैट का बलून जो है वो किधर होगा, हमारे पास इस साइड पे होगा, ठीक है, और फिर एक चैट का बलून क्या होगा, इस साइड पे होगा, और एक चैट का बलून जो होगा इस साइड पे ऐसे होगा। अच्छा एक तरफ के बलून को जो मैं कोई कलर दे देता हूँ, एक तरफ के बलून को मैं कह देता हूँ कि भाई तुम हरे हो, सही है, मैंने कहा भाई तुम हो गए हरे, हरे नहीं एक्चुअली हम व्हाट्सएप का कलर चोरी कर लेंगे, और दूसरे तरफ वाले को मैं कह देता हूँ कि तुम क्या हो गए, तुम जो है वो वाइट से थोड़े कम वाइट हो गए, ये मैंने कह दिया। और इस वाले को मैंने कह दिया कि भाई तुम क्या हो जाओ, ब्रिंग टू फ्रंट हो जाओ, सही है, उसके पीछे चलो ये, और ऐसे मेरी जो स्क्रीन होगी वो ऊपर से नीचे स्क्रॉलेबल होगी। तो कुछ इस तरह की यूआई क्या करना चाह रहा हूँ मैं इस वक्त कुछ बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह का लेआउट मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँ तो लिख के जैसे ही मैं एंटर हिट करूँ तो वो सेंड भी हो जाए, और नीचे से शुरू हो मेरी यूआई, मेरा जो मैसेज है वो नीचे की तरफ चपका हुआ। अच्छा अभी फ़िलहाल मेरे पास ये ब्लैंक स्क्रीन है। अब ये फ्लैक्स बॉक्स में कैसे होगा, सबसे पहला सवाल, सबसे पहले तो मुझे ये वाला आइटम है ये तो सबसे नीचे होगा और उसके ऊपर ऑन द टॉप अब सब चीज़ें ये चल रही होंगी, ठीक है। तो अच्छा फिर दूसरी बात ये कि ये जो दरमियान वाले मैसेजेस हैं ये स्क्रॉलेबल होंगे, हालांकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये फिक्स होगा, ये स्क्रॉलेबल नहीं होगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मेन फ्लो है ये टेक्स्ट बॉक्स उस मेन फ्लो का पार्ट नहीं होगा, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक फिक्स पोजीशन के अंदर नीचे आ रहा होगा जस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ जिसको मैं फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पर, सही है। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म का एक्शन रिमूव कर दूँगा मैं और इस पर लगा दूँगा ऑन सबमिट। सजेशन क्यों नहीं दे रहा यार ये, क्या हो गया इसको, टमाटर तो नहीं खाना है इसको, जे एस एक्स ही तो है ये, सजेशन नहीं दे रहा लेकिन यार ये, खैर कोई मसला नहीं। तो मैंने कह दिया कि कॉन्स्ट ऑन सेंड, नहीं एक्चुअली इसका नाम ये होगा सेंड मैसेज हैंडलर, क्या कॉन्स्ट को क्या किया, एक और कॉन्स्ट, मैं समझा नहीं बात, यार ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा यार, ये क्या चक्कर है भाई, ये कैसी सजेशन दी है इसने। यार अच्छा यहाँ पे मुझे एक रेफ बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यूज रेफ, सही है, यूज रेफ ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ, सही है, यूज रेफ, और शुरू में मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, यूज रेफ ऐसे ही बनता है ना, यूज रेफ ऐसे बनता है, कैसे बनता है ऐसी, अच्छा नीचे जो आऊँगा मैं फॉर्म के साथ अपने जो इनपुट बनाऊँगा जो एक अदद,
उसके साथ मैं बना दूंगा कि यार इसका जो रेफ है वो क्या है। मैंने कहा कि भाई मैसेज है, और नेम इसका हो गया मैसेज, प्लेस होल्डर हो गया कि टाइप योर मैसेज। और इसके साथ एक होगा सबमिट का बटन होगा एक्चुअली, एक ठीक है भाई, एक ही इनपुट बॉक्स हो गया, एक सबमिट का बटन हो गया। और इन दोनों को एक्चुअली मैं एक डिव में शायद पैक करना चाहूँगा मे बी, क्योंकि मैंने क्या करना है इन दोनों को एक दूसरे के ना मैंने अंदर करना है उसको एक्चुअली, नहीं शायद मुझे डिव की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं वैसे भी आईडी देके इसको कर सकता हूँ। अच्छा तो अब इस फॉर्म को ही मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी दे देता हूँ, ये फॉर्म भी तो एक कंटेनर ही है ना, मैं कह देता हूँ कि यार राइट मैसेज फॉर्म, सही है राइट मैसेज फॉर्म मैंने इसको नाम दे दिया। अच्छा स्क्रीन पे मुझे अभी ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है यहाँ कुछ लिखता हूँ मैं और सेंड का बटन जब दबाता हूँ तो मुझे ये टेक्स्ट कहाँ पर मिल जाना चाहिए, वो मुझे उस जगह पर मिल जाना चाहिए। मैंने कह दिया कि यार मेरे पास जो है ना क्या चाहिए मुझे, मैसेज डॉट करंट डॉट वैल्यू, सही है ये मेरे पास यहाँ पे अगर प्रिंट हो रही है तो इसका मतलब है कि मेरा काम सेट हो गया, सही है वैल्यू तो मुझे मिल रही है यहाँ पे, वैल्यू मुझे मिलना शुरू हो गई है। अब सिर्फ वैल्यू मिलने से काम नहीं होगा, अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, सीएसएस लगा के उसको अपनी जगह पे नीचे लेकर जाना है जहाँ पे मैं इसको पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। चैट डॉट सीएसएस के अंदर मैं इसकी सीएसएस लिखूँगा और इसकी सीएसएस में इसको साइड बाय साइड खोल के लिखना चाहूँगा। अरे ये क्या हुआ, सही है चैट डॉट सीएसएस मैंने इसके साथ यहाँ पर लिख दी। अच्छा राइट मैसेज फॉर्म इसका मैंने नाम रखा हुआ है, मैंने कहा हैश राइट मैसेज फॉर्म, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अच्छा मेरा जो पूरी स्क्रीन है यहाँ पे मेरे केस में मेरी वाइट है, मेरे वायर फ्रेम में लेकिन ऑन अदर एंड अपनी स्क्रीन को ग्रे रखा है ना, ठीक है, और इस फॉर्म को मैंने वाइट रखा है तो मैं अपोजिट कर देता हूँ यहाँ ताकि फ़िलहाल मेरा फॉर्म नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि यार इसका जो कलर है ना वो क्या हो जाए, ग्रे हो जाए, और ग्रे से थोड़ा कम डार्क हो जाए, ग्रे बहुत ज़्यादा डार्क है, सही है इतना डार्क हो गया, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या हो गया, ये फॉर्म आ गया। अच्छा नहीं मुझे उसको 100% करना है ना विरत उसकी, नहीं वो तो मैसेजेस होंगे ना, अभी तो ये लिखने वाला बना रहे हैं, लिखने वाले को नीचे स्क्रीन पे करके फिक्स कर देते हैं पहले। अच्छा और इसकी पोजीशन को मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन को मैं कर देता हूँ फिक्स्ड, सही है ये पोजीशन मेरी क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। अच्छा पोजीशन फिक्स करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, इसको टॉप और वो बॉटम बताना पड़ता है, तो मैंने इसको कह दिया कि यार बॉटम और ज़ीरो, तो ये बॉटम ज़ीरो पे चला गया। अच्छा ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है यार, ये किस खुशी में आ रहा है। अच्छा वो ज़रा मैंने इसको हाइट बहुत कम विड्थ बहुत कम कर दी थी इसलिए आ रहा था। अच्छा तो मैंने इसको दे दिया कि बॉटम ज़ीरो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इस कोने पे जाके सेट हो गया। अच्छा इसको जो थोड़ा सा ऑफसेट मिला हुआ है ये बॉडी से, जो थोड़ा सा ये दूर हुआ हुआ है, ये किस खुशी में हुआ हुआ है, इस पर किसी किस्म का कोई मार्जिन वार्जिन तो नहीं है। वेल चलो मैं इसको जो है ना मैं क्या दे देता हूँ, इसको बॉटम ज़ीरो दिया मैंने, मैं इसको लेफ़्ट भी ज़ीरो दे देता हूँ, ठीक है, ताकि लेफ़्ट से ये क्या हो जाए चपक जाए ऐसे जाके, सही है। तो मैंने बॉटम ज़ीरो और लेफ़्ट ज़ीरो इसको दे दिया फिक्स के साथ, बॉटम ज़ीरो और लेफ़्ट इसको ज़ीरो, सही है ये मैंने बॉटम लेफ़्ट पे इसको भेज दिया, बिल्कुल यहाँ पे नीचे जाके ये चपक गया, सही है। अच्छा अब इसको सिर्फ नीचे चपकाना नहीं था बल्कि इसको मुझे क्या करना है, नीचे से थोड़ा सा मैंने ऊपर इसको लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ी थोड़ी मैं क्या दे दूँगा, मार्जिन दे दूँगा, सही है। कहाँ से दे दूँगा मैं, नीचे से, यानी कि
चारों साइड से ही दूंगा एक्चुअली, 1 REM मैं इसको चारों साइड से मार्जिन देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा वापस ऊपर आ जाए। अच्छा मेरा बैकग्राउंड कलर क्यों इस पे से गायब हो गया? अच्छा बैकग्राउंड कलर इसलिए गायब हो गया क्योंकि विड्थ इसकी अब 100% नहीं है, विड्थ इसकी मैंने कहा कि भाई 100% होगी, सही है, विड्थ 100% करा दी मैंने। अच्छा विड्थ 100% करने का एक नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि ये जो है ना मेरे, मैंने जो मार्जिन दिया था ना चारों साइड से, वो चारों साइड पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो जाहिर है जब 100% किया तो 100% बॉडी तो वो मतलब वो होता है ना, तो अगर मैं इसको ये दे दूँ 100, एक तो वर्टिकल हाइट होता है, एक हॉरिजॉन्टल हाइट, नहीं नहीं वो तो होता ही नहीं है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं, क्या VW होता है उसमें भी यही होगा, एक्चुअली उसमें भी यही होगा, वो उस तरफ वाला जो है ना उसने मार्जिन खा गया, वो उस तरफ वाला मार्जिन खा गया वो, ठीक है। इसमें मुझे कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा, इसमें मुझे वो कोई फ्लैक्स बॉक्स वाला मंजन करना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा इसमें एक्चुअली होगा कि मुझे मार्जिन नहीं पैडिंग लगानी पड़ेगी, पैडिंग से मेरा ये काम हो जाएगा, पैडिंग मैंने कहा कि 1 REM क्योंकि पैडिंग अंदर की तरफ होती है ना। हाँ ये हो गया मेरा काम, अब इसको मैं विड्थ 100% कर देता हूँ, इसे अब सेट हो गया ये, सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो मैसेज का जो बार है, मैसेज का भी बार मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये भी फुल पे ही दिखाना है, मतलब साइड बाय साइड मुझे ये फुल दिखाना है पूरा। अब ये काम मैं कैसे कर लूँ, इसको, हाँ इसकी विड्थ भी मैं क्या कर देता हूँ। अच्छा अब तो ये इस वाले पे नहीं लगेगा, अब ये लगेगा अंदर वाले पे, है ना, अब वो इसका चाइल्ड है, अब जिस पे मैं, तो इस पे जो जो करना था वो मैंने कर दिया, अब इसके मैं चाइल्ड पे करने लगा हूँ। चाइल्ड पे मैं कैसे करूँगा, ये राइट मैसेज फॉर्म ही लिखूँगा यहाँ पे अगेन, और मैं कहूँगा इसके अंदर जो है, जो क्या है आपके पास, इसके अंदर जो इनपुट है उसके ऊपर अब क्या क्या लगाना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा कि यार उसका जो बॉर्डर है ना वो कर दो 0 आप, सही है, बॉर्डर मैंने उसका गायब करा दिया। दूसरी बात मैंने इसकी कहा कि यार इसकी जो हाइट है वो आप कर दो 1 REM, थोड़ी सी मैंने हाइट इसकी बढ़ा दी अपने पास, यार बड़ी तो नहीं हाइट ये, 2 REM कर देता हूँ, हाइट बढ़ा दी थोड़ी सी मैंने इसकी। अच्छा तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ कि यार इसको बॉर्डर रेडियस जो है ना, अबे बॉर्डर रेडियस जो है आप इसको दे दो 5 pixels, सही है 5 pixels, बल्कि ये भी मैं REM में देता हूँ, मैं कहता हूँ 0.3 REM, सही है ये मैंने दे दिया। थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ क्योंकि अंदर टेक्स्ट, ज़रा पैडिंग 0.3 REM, ठीक है थोड़ी सी पैडिंग दे दी मैंने इसको। अच्छा पैडिंग, एक मिनट, पैडिंग क्या बहुत कम मिली है इसको, पैडिंग बहुत कम मिली है इसको, पैडिंग इसको थोड़ी और देनी होगी मुझे, 0.5 तक देनी पड़ेगी शायद। अच्छा पैडिंग मुझे ना सिर्फ लेफ्ट और राइट पे देनी है, टॉप बॉटम पे मुझे पैडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक्चुअली क्या करूँगा, मैं कहूँगा 0 और उसके बाद ऐसे करके, सही है पैडिंग मुझे इतने पे देनी थी, साइडों पे दोनों पे देनी थी सिर्फ। अच्छा जी ये हो गया, इसी के साथ साथ जो बटन है ये सारे काम मैंने इस बटन पे भी करना है, नहीं विड्थ मैं इसको दूसरे तक, अभी ये क्या हुआ, अच्छा सही है बटन पे भी मैंने यही वाला काम कर दिया। अच्छा बटन पे लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा काम भी करना है, थोड़ा सा वो भी देना है मार्जिन, लेकिन नहीं बटन पे मार्जिन नहीं देना, बटन तो मैंने इसके ओवरलैप करवाना है ना इसके साथ, बटन को मैंने असल में इसके साथ ओवरलैप करवाना है, अभी उसका हम देखते हैं क्या तरीका होगा ओवरलैप करने का, उसको रिलेटिव करके ना थोड़ा सा इस साइड करेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। हाँ रिलेटिव नहीं बल्कि एब्सोल्यूट, वो जगह भी तो छोड़े अपनी वरना स्क्रॉल बार आता रहेगा। अच्छा अब हमें करना ये होगा कि चलो ये बॉर्डर 0, हाइट, बॉर्डर रेडियस और पैडिंग, ये तो चलो मैं दोनों को दे दी मैंने। अब मैंने अगला काम ये करना है कि मैंने ना सम हाउ इस टेक्स्ट बॉक्स को ये बताना है कि भाई तू 100% हो जा, जितनी जगह मिले सब ले ले, तो ये काम मैं फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए कर सकता हूँ, है ना, ये फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए मैं काम ये कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि यार आपका जो पेरेंट है ना
वो डिस्प्ले हो जाए फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स करा दिया मैंने किसको, इस ग्रे वाले बॉक्स को। और डिस्प्ले फ्लैक्स कराने के बाद एक डिस्प्ले फ्लैक्स में प्रॉपर्टी होती है जो चाइल्ड को ना 100% करा देती है। वो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है फ्लैक्स ग्रो, यही होती है ना फ्लैक्स ग्रो, कि वो फुल 100% विर्थ ले लेता है। हाँ यही है, एक ही प्रॉपर्टी है। अच्छा फ्लैक्स ग्रो को मैं कैसे करके लगाऊं कि ये पूरी विर्थ ले ले। अच्छा अगर मैं इस आइटम पे आके बोलूँ, एक पे सिर्फ, यानी सिर्फ इनपुट पे आके मैं बोलूँ ये बात कि आप क्या हो जाओ, फ्लैक्स ग्रो हो जाओ 5, तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? पड़ गया भाई फ़र्क, सही है 5, चलो 4 नहीं, एक्चुअली 1 से भी हो जाएगा, ये 1 से भी वही काम करेगा जो 4-5 से कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें चक्कर ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, एक को देता हूँ एक प्रॉपर्टी और दूसरे को देता हूँ दूसरी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि यार इनपुट ना अगर ले 4 तो ये ले 1, तो वो 1 लेने लग जाएगा इसके बदले, सही है। तो इस तरह से होता है ये, लेकिन यार मसला ये हुआ कि ये साइड वाला दोबारा गायब हो गया मेरा, ये कैसे हुआ यार, ये साइड वाला गायब क्यों हो गया दोबारा से? अब ये स्क्रॉल भी आने लग गया, चलो स्क्रॉल तो ऊपर वाले की वजह से आ रहा है ना। वेल आई थिंक ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि मैंने वैसे भी सेंड के बटन को क्या करना है, इसको इसकी जगह से हटा के मैंने इसको ओवरलैप मारना है, कोई दूसरा जुगाड़ करते हैं। ये फ्लैक्स बॉक्स वाला काम सही नहीं है। विड्थ 100% है ना, तो मैं इस इनपुट को ना यहाँ पे अलग से आके बोल देता हूँ कि यार तू अपनी विड्थ 100% कर ले। हाँ सही है, ये बटन ये 100% हुआ ना, ये तो सेट हो गया, 100 नहीं एक्चुअली 80, इसको वो 100 में तो बिल्कुल ही बाहर जा रहा है वो। अबे यार ये 80 में तो बिल्कुल अंदर आ जा रहा है, असल में वो 100 पे क्या कर रहा है, अपने कंटेनर की विर्थ ले रहा है। अगर मुझे उसको ये बोलना है कि यार जितनी अवेलेबल विर्थ है वो सारी ले लो, तो मैं कैसे बोलूँगा? हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी। अच्छा तो बटन को इसका मतलब है पहले उसको एब्सोल्यूट कर दिया जाए, डिस्प्ले एब्सोल्यूट, हाँ सॉरी पोजीशन होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी ये तो हिला नहीं अपनी जगह से, सही है समझ गया मैं, वो अपनी जगह से, चलो उस तरफ से देते हैं उसको हम ये चीज़, क्योंकि मैंने तो सिर्फ रिलेटिव बोला है ना, अभी इसको मैंने हिलाया नहीं अपनी जगह से, इसको मैंने ये नहीं बोला कि कितना लेफ्ट हो जा और कितना राइट हो जा, मैंने कहा लेफ्ट हो जा अपनी जगह से तू 10 पिक्सल। अच्छा ये मैंने क्या लगा दिया इस पर, एब्सोल्यूट नहीं यार, इस पर रिलेटिव लगाना चाहिए था ना मुझे, रिलेटिव था ना ये तो, ये रिलेटिव करके इसको इस तरफ लाके मैंने अंदर करना है, ये आ गया इसके अंदर आता जा रहा है। हाँ जितनी इसकी विड्थ है उतने के बराबर का इसको देना है मैंने, इसकी विड्थ क्या एक्चुअली 44 पिक्सल है, सही है 44 पॉइंट, चलो मैंने 50 दे दिया इसको, सही है 50 मैंने इसको दे दिया। अच्छा ये इस तरह का बन रहा है कुछ, नहीं इसको 50 नहीं, इसको एग्जैक्टली 44 ही देना पड़ेगा मुझे, 44 ही देना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का बन गया अभी मेरे पास ना, सही है 44, तो लेफ्ट 44 देना पड़ रहा है उसको मुझे। क्या हुआ ये? अच्छा रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं था, रिलेटिव था वो। अबे ये क्या हुआ?
अच्छा 44 के साथ पिक्सल भी तो है, सही है। अब हम देखते हैं कि उसको विड्थ कितनी देनी है। अभी तो 80% दिया था तो ये मसला कर रहा था, और 90 में नीचे जा रहा है वो। नहीं वो फ्लैक्स वन वाला सही था, वो फ्लैक्स वन वाला सही था, जितनी जगह बन रही थी उतनी ले ले रहा था ये। नहीं अब नहीं होगा क्योंकि अब तो मैंने उसको अंदर कर दिया, अब तो मैंने उसको अंदर कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं आ जाओ डिस्प्ले फ्लैक्स, सही है। और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद मैंने किसको देना है, अभी इनपुट को मैंने बोलना है कि भाई फ्लैक्स ग्रो हो जाओ और वन हो जाओ, सही है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सेट हो गया। यस यस यू आर राइट, यस पैडिंग राइट, हाँ इतना सही है ना, 55 पिक्सल पे सही आ रहा है, 55 पिक्सल करना पड़ेगा मुझे। अच्छा तो इनपुट के ऊपर मैंने जो ये लगाया था पैडिंग, ये वाला नहीं, नहीं वो तो नीचे जो आता है वही लगता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट भी फिर मैं इधर ही लगा दूँ ना, लेफ्ट तो चलो 0.5 हो गया, सही है। और राइट राइट जो है वो 55 पिक्सल है ना, 55 डिवाइड बाई 16 तकरीबन 3.4 आरईएम बनता है ये, सही है 3.4 आ रही है, मैंने दे दिया इसको यहाँ, सही है 3.4 आ रही है, दे दिया और सेंड का बटन दबाता हूँ मुझे तो ये यहाँ पे डेटा मिल जाता है। चलो यार बहुत मेहनत कर ली इसके ऊपर, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा इसकी CSS की कोड में कुछ क्लीनिंग से मुताल्लिक कोई चीज़ तो नहीं रह गई मेरी, बॉर्डर 0, हाइट 2 आरईएम, बॉर्डर रेडियस 0.3 आरईएम, पैडिंग इतने आरईएम, हाँ ये पैडिंग भी डायरेक्ट हम बटन पे लगा सकते हैं। सही है। अच्छा बटन की भी पैडिंग मुझे थोड़ी बढ़ानी चाहिए एक्चुअली, वह बाहर निकल रहा है वो सब छेड़ना पड़ेगा फिर उसके लिए, उसके लिए ये भी छेड़ना पड़ेगा क्योंकि पैडिंग जो है वो डायरेक्टली उसमें ऐड होता है ना, ऐड अप होता है, छेड़ लेते हैं कोई मसला नहीं है। इसकी जो एक्चुअली अब हो गई है 54 हो गई है ना, तो 54.51 हो गई है तो उसको 54 कर देते हैं, फिफ्टी फोर हो गई है। अभी ये ऊपर से कैसे हिल गया यार, नहीं नहीं एक है बटन की हाइट और इनपुट की हाइट, अच्छा 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 नहीं सही समझ गया मैं, ये इधर तो मैंने लेफ्ट और राइट लिखा है लेकिन असल में ये टॉप और बॉटम भी था, तो टॉप और बॉटम जो 0-0 हो रहा है इसमें, ठीक है पैडिंग टॉप 0 और पैडिंग बॉटम 0,
ये अब जाके बिल्कुल सेट होगा, बराबर हो गया, अब बराबर हो गया। वो थोड़ी उसमें टॉप बॉटम पे भी पैडिंग है, ठीक है, इस पे भी टॉप बॉटम ज़ीरो सेट हो गया। अब क्या था 54, थोड़ी सी इसकी अब ये वाली चीज़ बढ़ानी पड़ेगी मुझे। थ्री पॉइंट सेवन पे जाके सेट हो रहा है। यार ये सेलेक्ट करने से ये क्यों आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था ये। ये सेलेक्ट करने से ये इसमें गोल बॉर्डर आ रहा है। अच्छा मैंने बॉर्डर यहाँ पे ज़ीरो तो किया हुआ है दोनों का, आउटलाइन होता है। नहीं यार अभी दो मिनट पहले तक तो नहीं आ रहा था ये, आ रहा था फिर ये फील क्यों नहीं हो रहा था मुझे। अच्छा ये बटन थोड़ा छोटा हुआ है अपने साइज़ से, बटन अपने साइज़ से थोड़ा छोटा हो गया है ना। अच्छा अच्छा जब भी इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एक्स्ट्रा बॉर्डर आता है। हाँ तो इसका आउटलाइन फिर हटा देते हैं, इनपुट के ऊपर जो है वो आउटलाइन नन। सेट हो गया। चलो यार बहुत मेहनत हो गई इस पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत हो गई। अच्छा अब आ जाते हैं हम चैट के इसके ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास एक बनेगा डिव, और इस डिव को मैं क्या नाम दूंगा, चैट विंडो। एक्चुअली इसको मैं आईडी दूंगा चैट विंडो, क्योंकि चैट विंडो एक ही है मेरी पूरी इस स्क्रीन के ऊपर ना, ठीक है। इसको मैं चैट विंडो के नाम से क्या दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, एक डिव होगा दैट वुड कॉल्ड चैट बलून स्पेस लेफ्ट होगा एक, सही है, और उसके अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ होगा, हाय हाउ आर यू डूइंग, सही है। फिर एक चैट बलून होगा जिसमें लिखा हुआ होगा चैट राइट, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होगा कि यार हाय, और साथ में वो हाय वाला वो भी बना देते हैं हाथ, सही है। आई एम गुड हाउ आर यू, सही है। ऐसे दो यहाँ पे डिफ बनी हुई आ रही होगी, और इसी तरह इस डिफ के मैं तीन चार वेरिएंट्स बना लेता हूँ। तो अभी ये मैसेज कुछ इस तरह से मेरे पास लिखा हुआ आता है, सही है। और अभी ये क्या है, ये स्क्रॉलेबल नहीं है अभी। अच्छा इसको अब मैं क्या करता हूँ, आके जल्दी से यहाँ पे ये जो चैट विंडो है इसको मैं अपनी सी एस एस की फाइल में ना क्या दे देता हूँ, एक अदद बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दे रहा हूँ मैं इसको 1 pixel सॉलिड रेड, ताकि मुझे पता चले कि ये चैट विंडो इस वक्त कहाँ से कहाँ तक है। तो इस वक्त ये चैट विंडो यहाँ से यहाँ तक है, सही है। अच्छा अब ये जो चैट विंडो मेरे पास नज़र आ रही है मुझे, ये मेरी चैट विंडो है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से शुरू करे, ये ऊपर से शुरू ना करे बल्कि ये नीचे से शुरू करे। तो अब मैं किस तरह करूँगा इसको, कौन बताएगा। हाँ भाई व्हाट डू यू थिंक कि कैसे होना चाहिए ये, वो तो मैं पता ही नहीं लगा मैंने क्या पूछा है, बस यही तो बात है ना। कॉलम रिवर्स किस पे लगाऊं, मेन डिव है ना, तो इसमें जो बिल्कुल साइड में इसके लिए मेन डिव है।
से ही आओ ट्राई करते हैं। अच्छा मेरे पास जो इस वक्त ये आइटम मौजूद है, यानी कि ये मेरा फॉर्म जो मौजूद है, इसकी मेरे पास 668 इसकी विड्थ नज़र आ रही है और इसकी जो हाइट है वो 64 पिक्सल नज़र आ रही है। सही, इसकी जो हाइट है मेरे पास वो क्या है, वो 64 पिक्सल है। तो मेरा जो पहला मैसेज आना चाहिए ना वो 64 पिक्सल के ऊपर आना चाहिए। सही है, तो अगर मैं ये करूँ कि इस विंडो को मैं पकड़ूँ और मैं बोलूँ कि यार ये विंडो जो है वो क्या है, इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट है। सही है, और बॉटम से जो ये क्या है 64 पिक्सल है, तो ये सेट हो गया। अब ये 64 पिक्सल बॉटम पे ही फिक्स हो गया, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि इसकी जो यार विड्थ जो है वो भी क्या है, वो 100% है। सही है, अच्छा 100% नहीं, विड्थ इसके साथ भी मैं वही करूँगा। विड्थ के लिए जो है ना इसको मैं बोलूँगा कि यार आप क्या हो, ग्रो वन हो आप। सही है, तो ये मैंने बात कर दी। अब ये चैट विंडो जो है वो इसका वो कौन है, पेरेंट कौन है इसका, इसका पेरेंट जो है वो इस वक्त डिव, ये वाला डिव है मेरा, जो कि मेरा सबका ही पेरेंट है ये एक्चुअली। अच्छा अगर मैं इसको वैसे ही बोलूँ अगर फ्लैक्स ग्रो, तो इस पर असर तो खैर नहीं होगा, लेकिन जस्ट इन केस असर तो नहीं हुआ इसके ऊपर। अच्छा मुझे इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा 100% कराने के लिए। मुझे इसको एक डिव में और देना पड़ेगा, जिस डिव को मुझे बोलना पड़ेगा 100%, है ना। अच्छा ये कितने पे आ जाते हैं, अभी 638 ये विड्थ ले लेते हैं। अच्छा और अगर मैं इसको बोलूं कि यार आप, अच्छा इसको मैंने जस्ट अभी ये बोला है कि एब्सोल्यूट और बॉटम बोला है मैंने, तो मैं इसको लेफ्ट पे भी ज़रा करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ लेफ्ट पे भी ज़ीरो से हो आप, सिक्स 36 आ रही है ना इसकी अभी विड्थ, ये 3-4 पिक्सल सिर्फ जो है ना राइट पे आगे की तरफ निकल रहा है, ये एक्चुअली सिर्फ 3-4 पिक्सल राइट से ही आगे की तरफ चला जाता है। इन्होंने कुछ चीज़ें और भी दी हैं, फिल अवेलेबल करके एक नई प्रॉपर्टी डाली है, लेकिन वो मसला ये वो वेबकिट करके आ रहा है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं उसको यूज़ तो नहीं करूँगा। मैं इसको अगर 100% करता हूँ, यार ये 100% में बाहर क्यों जा रही है यार, समझ से बाहर है ये। ओके गॉट इट, वो इसलिए बाहर जा रही है क्योंकि मैंने एक पिक्सल का बॉर्डर जो लगाया हुआ है, तो एक पिक्सल राइट से और एक पिक्सल लेफ्ट से ऐड हो रहा है ना, तो जब भी मुझे राइट वाला बॉर्डर दिख नहीं रहा है। जब भी मुझे दिख नहीं रहा है ये चक्कर है, अगर इसको मैं 100 से 99 करूँगा तो मुझे दिखने लग जाएगा, 100 करूँगा तो नहीं दिखेगा ये, वो इसलिए नहीं दिखेगा कि 100 में वो एग्जैक्ट उतनी विड्थ ले लेता है जितना मेरे पास वो है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको 100 ही रखूँगा, बस मैं ये इसका बॉर्डर रिमूव कर दूँगा, तो उससे मेरा मसला वो खुद ही सेट हो जाएगा। मैं इसको क्या करूँगा, विड्थ इसकी 100 ही रखूँगा, लेकिन इसका मैं यार ये स्क्रॉल इसकी वजह से नहीं, ये तो ऊपर वाले की वजह से आ रहा है, स्क्रॉल जो है ना इसकी वजह से नहीं आ रहा है, ये जो ऊपर वाला है ना इसकी वजह से आ रहा है, इस वाले की वजह से, ये आपस में चपक गया ना।
सही है। एक्चुअल तो मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह से, एक्चुअल मेरी स्क्रीन जो है ना वो कुछ इस तरह से सही है। मैं उसकी विड्थ 100% ही रखूँगा, 100% सही है। एक्चुअली मैं बॉर्डर जो लगा रहा हूँ उसकी वजह से जो है ना वो क्या हो रहा है, वो दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। वेल यार बहुत मेहनत लग रही है इसके ऊपर। अच्छा अब मैं एक एक अपना जो बबल है ना मेरे चैट का, जो एक एक बबल है अब उसको मैं देखना शुरू। अच्छा एक काम तो अभी और भी हमारा रहता है, इसको स्क्रॉलेबल भी तो मैंने बनाना है, इसको स्क्रॉलेबल भी तो बनाना है। अगर मैं ये कंटेंट बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर से बाहर नहीं निकलना चाहिए बल्कि ये स्क्रॉलेबल बनना चाहिए। सही है। ये देखो अभी ये क्या होता है, ऊपर से ये क्या होता है बाहर निकल जाता है। हाँ अच्छा चैट विंडो को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था लेफ्ट आप हो जाओ 0 पिक्सल, ये बोला था, और मैंने बोला था क्या विड्थ 100% बोला था। सही है, दो बातें मैंने बोली। अच्छा तो ये हो गया, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी जो हाइट है इसकी हाइट पे मैं कहीं ना कहीं क्या करूँगा लिमिट लगाऊँगा। लेकिन वो मैं लिमिट किस तरह लगाऊँगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कितने ऊपर जाके ये जो है ना वो हो जाता है। मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी हाइट कितनी दे दूँ मैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल देता हूँ कि यार आपकी क्या हो जाए हाइट, आपकी हो जाए 600 पिक्सल। सही है, ये मैंने हाइट कर दी 600 पिक्सल कर दी मैंने, और मैंने कहा कि यार ओवरफ्लो जो आपका वाई है वो क्या हो जाए स्क्रॉल आ जाए उसके अंदर, तो ये आपका स्क्रॉल आ गया। सही है। अच्छा लेकिन क्या होता है जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, यानी कि मैं बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेरे पास स्पेस अवेलेबल है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा जब मैं छोटी स्क्रीन पे आता हूँ तो ये ओवरलैप भी कर जाता है। हाँ हाँ भाई परसेंट, मैं वीएच कितना दूँ यही तो सवाल है मेरा। 70 वीएच दे देता हूँ। सही है, 600 पिक्सल हटा के मैं इसको दे देता हूँ 70 वीएच दे देता हूँ मैं इसको। ये लो ये इतनी स्पेस छोड़ दिया ना इसने, ये जीरो पे मैं हूँ इस वक्त। जीरो कितने परसेंट लगाऊँ, परसेंट और वीएच एक ही है ना, सही तो बोल रहा है वो। मैंने विड्थ तो इसकी सही पकड़ ली है, बेहतरीन कर दी है मैंने, लेकिन हाइट में मेरे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ही मैं बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये ओवरफ्लो करने लग जाता है। ये मेरे पास प्रॉब्लम है हाइट में। अच्छा एक और प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रहा है इसके अंदर, ये जो लास्ट मैसेज है, ये लास्ट मैसेज है इसका, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जब। हाँ लास्ट मैसेज तो खैर सही आ रहा है, चलो ये दिस इज़ नॉट एन इशू, लास्ट मैसेज तो सही आ रहा है बिल्कुल। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, चलो वो दो तो लगा देते हैं इस पे, जो ओवरफ्लो जो वाई है
वो है स्क्रॉल, सही है। ओवरफ्लो वाई मैंने स्क्रॉल लगा दिया, सॉरी हाँ हाँ भाई। दोस्त ने कहा कि यार जैसे बॉटम दिया वैसे टॉप भी दे देते हैं। नहीं पोजीशन क्या मतलब, क्या मतलब पोजीशन के लिए होता है? नहीं मतलब स्टिल मेरे पास असल में हो रहा क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल सॉरी जो टॉप टू बॉटम पिक्सल है ना मेरे पास स्क्रीन के, वो जूम इन करने पे कम हो जाते हैं और जूम आउट करने पे वो बढ़ जाते हैं पिक्सल। तो अगर मैं वो भी देना चाहूँ ना नीचे, चलो यहाँ तक मैंने रखा है, मैंने कहा ऊपर जो आप ऊपर से 100 पिक्सल छोड़ दो आप, अगर मैं ये बोल दूँ तो स्टिल वो पिक्सल कम ज़्यादा हो रहे हैं, चक्कर ये हो रहा है। अच्छा अगर मैं वही काम करूँ सेम, सही है ना, बॉटम से तो मैंने बोला 64 और मैं यहाँ पे आके बोल दूँ टॉप से, सही है, और मैं बोल दूँ कि भाई 100 पिक्सल छोड़ दो टॉप से आप, तो ये तो सही हो गया, स्क्रॉलेबल हो गया ये, सही है। इसको मैं यहाँ आके लगाता हूँ, अदरवाइज इस तरह ये पता नहीं लगेगा, सही है, क्योंकि इसको जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा ये पता नहीं लगेगा। अच्छा तो ये क्या हुआ, ये जूम इन और जूम आउट करने पे ये यहाँ पे फिक्स हो गया ऊपर, ये सही है ऊपर से जो 100 पिक्सल थे। अच्छा लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि लास्ट मैसेज जब मेरे पास क्या होता है, इधर आ जाता है, लास्ट मैसेज जब सामने नहीं आता, पहले लास्ट मैसेज सामने आता था क्योंकि अब स्क्रॉल है, स्क्रॉल में ये टॉप वाली चीज़ पहले दिखाता है ये, और लास्ट वाली मैसेज ये बाद में दिखाता है। अब इसका क्या हल होगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और उसको बढ़ा दूंगा मैं, तो चैट भी मेरा बाहर आ जाता है इससे, अभी मेरा चैट अंदर जा रहा है, ये मेरा चैट अंदर जा रहा है, सही है। मैंने कहा यार 100 नहीं आप यहाँ तक कर दो इसको 125 पिक्सल, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, देखो मेरा जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ ना तो मेरे जो टॉप टू बॉटम में पिक्सल ना वो कम होते हैं, लेकिन ऊपर वाला इतना हिस्सा जो है ना ये 100 ही पिक्सल रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, और नीचे वाला इतना भी 100 पिक्सल रहेगा जितना है। तो अब मैं इसको लिहाजा जूम इन जूम आउट करूँगा ना ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। अच्छा ये तो इसलिए हो गया कि मैसेज नहीं थे यहाँ पे, सही है। देखो अब मैं इसको जूम इन जितना भी करूँगा ना, ये ऊपर से मैंने बोला 100 पिक्सल छोड़ने हैं तुमने और नीचे से 100 पिक्सल, अब बीच में कितना बड़ा होगा वो स्क्रॉलेबल है, तो ये मेरा क्या हो गया मसला बिल्कुल सेट मेट हो गया, ठीक है। इसको पूरा ही पूरा एक 150 पिक्सल कर देते हैं इसको, सही है। टॉप पे मैंने कह दिया कि भाई 150 पिक्सल, अच्छा अब इसके लिए मैं क्या करूं कि लास्ट मैसेज मुझे टॉप पे दिखे और वो मुझे उस पे दिखे, कोई आइडिया कोई सोल्यूशन? अच्छा अगर मैं ये करूं कि अब देखो मेरा ये विंडो तो सेट हो गया ना, चैट विंडो, अब इस चैट विंडो को मैं बोल दूं कि आप क्या हो, डिस्प्ले क्या हो, आप फ्लेक्स हो आप, ठीक है, तो इसने मैसेज सारे यूं घुमा दिए, सही है। अच्छा उसके बाद मैं बोल दूं कि यार अच्छा अब ये तो ज़ाहिर है इसका चेंज हो गया ये, तो मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन पहले तो अपना सही करना पड़ेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कह दिया कि कॉलम रिवर्स, अच्छा कॉलम रिवर्स करने से क्या हुआ, ये लास्ट मैसेज ना ऊपर आ गया, तो क्या मैं ये चाहता हूँ, अच्छा इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये सही समझ आएगा, सही है, रिफ्रेश किया मैंने इसको। अच्छा अब होता क्या है कि अब मेरा जो ये स्क्रॉल बार है, आप नोट करें ये अब नीचे आता है, सही है, स्क्रॉल बार मेरा नीचे आता है, अब मैं यूं करता हूँ तो ऊपर जाता है, स्क्रॉल बार मेरा क्या आता है, नीचे आता है, मैसेज तो ऊपर चला गया, यानी मेरे स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ रही है और जो नीचे है वो ऊपर आ रही है, सही है। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास डेटाबेस से जो भी चीज़ आएगी ना उसको रेंडर में रिवर्स में करवाऊँगा तो वो सही हो जाएगा, यानी लिहाजा अब मेरा जो लास्ट मैसेज है वो ये नहीं होगा, अब मेरा लास्ट मैसेज जो है वो क्या होगा,
ये वाला होगा। ये मेरा लास्ट मैसेज होगा, ये देखो लास्ट ऑटोमेटिकली अब नीचे आने लग गया। सही है, रिफ्रेश करता हूँ, लास्ट इधर ही आता है। सही है, तो मेरा मसला ये काइंड ऑफ हल हो गया, लेकिन चक्कर ये हो गया कि मेरे पास जो फर्स्ट मैसेज है वो लास्ट है। अब मुझे ये बताओ कि डेटाबेस से जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डेटाबेस से जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई गेट करो सारे प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़, और बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉर्ट किससे करता है? अंडरस्कोर जो आईडी है उससे करता है, और वो टाइम है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं जब उसको बोलता हूँ कि अंडरस्कोर आईडी से आप गेट करो, तो वो सबसे पहला जो ऑर्डर है वो सबसे पहले लाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने चार ऑर्डर प्लेस किए गए, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फोर, तो डेटाबेस में सबसे टॉप पे ऑर्डर वन पड़ा हुआ है, तो उसके बाद ऑर्डर टू, फिर ऑर्डर थ्री, फिर ऑर्डर फोर, क्योंकि वो टाइमली मैनर में उसको स्टोर कर रहा है, टाइमली मैनर में उसको वो स्टोर कर रहा है। अच्छा, जब मैं गेट करूँगा तो वो उसी तरह मिलता है, जब वो गेट करता हूँ मैं तो उसको वो उसी तरह मुझे देता है। और अगर मैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ तो क्या होगा? सही है, ऑर्डर नंबर वन ऐसे आएगा, ऑर्डर नंबर टू इधर आएगा, ऑर्डर नंबर थ्री इधर आएगा, और ऑर्डर नंबर फोर इधर आएगा, ऐसे आएगा ना। अच्छा, अब यही आप, ये क्या हुआ? अरे मेरे जेब में हेडफोन पड़ा हुआ ना, मेरे ही नंबर पे कॉलें लगा रहे हैं। चेहरा धोते हुए ना निकाल के मैंने फ्रेंड की जेब में डाल लिया था, ये मेरे जेब में बैठा बैठा मेरे नंबर पे ही कॉलें लगा रहा है, लेवल देख लो इसका। लग रहा है माई नंबर और कॉल चल रही है। अच्छा, तो मैं जब उसको गेट करूँगा ना मैसेज को, मिसाल के तौर पे एक कन्वर्जेशन इनिशिएट हुई, तो जो बंदे ने पहला मैसेज किया, सही है, मिसाल के तौर पे वो मैसेज हुआ 9:01 पे हुआ, तो वो ये खड़ा हुआ ऐसे डेटाबेस में। फिर जो दूसरा मैसेज हुआ 9:02 पे हुआ, वो इधर खड़ा हुआ है। सही है, फिर इधर जो मैसेज हुआ 9:03 पे हुआ, और ये वाला 9:04 पे हुआ, चौथा मैसेज। तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, 9:01 ये रहा, 2 वाला ये रहा, 3 वाला ये रहा, और 4 वाला ये रहा। सही है, क्या मुझे स्क्रीन पे इसको ऐसे डिस्प्ले करवाना है? आर यू श्योर? उल्टा कराना है ना इसको? उल्टा करके लाना है मुझे। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने डेटाबेस से जब भी मैसेजेस मंगवाऊँगा तो वो मैं रिवर्स ऑर्डर में मंगवाऊँगा, वो मैं क्या करूँगा रिवर्स ऑर्डर में। कि अच्छा, लिहाजा फिर क्या होगा कि मैसेज नंबर वन जो है ना, जो सबसे पहला मैसेज हुआ है, वो मेरे पास स्क्रीन पे यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। ये मैसेज नंबर वन होना चाहिए, ये मैसेज नंबर टू होना चाहिए, ये मैसेज नंबर थ्री होना चाहिए, और ये मैसेज नंबर फोर। अगर मैं रिवर्स में मंगवाता हूँ तो इस तरह आएगा फिर। और टॉप पे क्या होगा, मैंने 200 मैसेज अगर हुए हैं तो जो सबसे टॉप पे होगा ना, ये 200वां मैसेज होगा। सही है, और ये 199 वाला मैसेज होगा। सही है, 199, ये मैं रिवर्स करके मंगाऊंगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 197, 198, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, 200वां मैसेज, और सबसे पहला मैसेज जो था वो यहाँ आ गया, 1234, और ये आ गया ऐसे। तो अब मुझे ये पता लग गया है कि मुझे डेटाबेस से जो मैसेज ला के ना, उसको डिस्प्ले किस तरह से कराना है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि डेटाबेस से मैं जो मंगवाऊँगा वो मैं रिवर्स ऑर्डर में मंगवाऊँगा, जैसे मैं पहले भी यही करता था ना, जो मेरे पोस्ट मंगवाता था ना, जो हमने दूसरे पेज पे यहाँ पे पोस्ट मंगवाई हुई है होम के ऊपर, तो इसमें भी हम क्या करते थे, रिवर्स करके मंगवाते थे उसको। तो चैट में भी मैंने उसको रिवर्स करके ही मंगवाना है। अच्छा, इसकी CSS बस थोड़ी सी रह गई है, वो कंप्लीट करके आज की क्लास को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डेटाबेस वगैरह को देख लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर लेफ्ट और राइट मैंने लिखा हुआ था, लेकिन लेफ्ट और राइट शायद इसमें इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, इसमें मैं लिख देता हूँ कि माई मैसेज। सही है, मिसाल के तौर पर जो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर से किया हुआ है मैंने, ठीक है,
वो मैंने ये मैसेज किया हुआ है सबसे पहला, सही है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सही है, सबसे पहला मैसेज मैंने किया है, हाउ हाउ आर यू डूइंग, हाई हाउ आर यू डूइंग, ये सबसे पहला मैसेज मैंने किया है। ठीक है, तो लेफ्ट जितना भी है ना उसको मैं बोलता हूँ कि ये माई मैसेज है एक्चुअली। ठीक है, मैंने बोला ये लेफ्ट नहीं है असल में, ये क्या है, ये माई मैसेज है। ठीक है, और ये राइट जितना भी है उसको मैंने बोला कि ये क्या है, योर मैसेज है। सही है, योर मैसेज का मतलब है कि जो फ्रंट एंड पे स्क्रीन को देख रहा है उसके हिसाब से योर मैसेज है। अच्छा, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि यार क्या कर दो, चैट बलून जो है डॉट चैट बलून, इसको मैंने कहा कि यार बैकग्राउंड कलर सबसे पहले तो दो, कौन सा बैकग्राउंड कलर दे दो, ग्रीन। सही है, अच्छा ये मैं किसको दे रहा हूँ, सॉरी ये तो मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं, चलो चलो सही है, इसको बॉर्डर रेडियस वगैरह भी दे देते हैं। मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस दे दो इसको, मैंने कहा भाई इसको बॉर्डर रेडियस मैंने ऐसा देना है कि ये गोल हो जाए, कितना दे दूँ, 1 REM देता हूँ इसको, ताकि वो 16 पिक्सल का इसको मिलेगा एक्चुअली। तो ये कुछ इस तरह का हो गया, सही है, सबको ग्रीन ग्रीन कर दिया मैंने, पैडिंग देनी पड़ेगी साथ साथ मुझे इसको। सही है, पैडिंग भी मैं दे देता हूँ 0.5 REM, ताकि ऊपर और नीचे हर तरफ से इसको अच्छा सा अच्छा खासा वो मिले। सही है, प्लस इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। सही है, कलर वाइट हो गया, मार्जिन दे देता हूँ इसको मैं 0.3 REM। सही है, मार्जिन दे दिया, दूर दूर हो गया। हाँ, अब ये लेफ्ट राइट कैसे होगा ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर जो योर और माई वाला है ना उससे मैं इसको अलग करूँगा, लेकिन इसका जो ये ग्रीन कलर है ना इससे इसका कुछ करना पड़ेगा यार, ये ग्रीन कलर अच्छा सा कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा। व्हाट्सएप की कन्वर्जेशन निकालते हैं, सही है, व्हाट्सएप की आ गई कन्वर्जेशन, तो व्हाट्सएप का ये कलर जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, छाप लेते हैं। सही है, व्हाट्सएप का ये कलर मैंने जल्दी से छाप लिया और ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, और इस कलर ब्लैक ही सही है, फिर कलर इस पर वाइट नहीं होगा, कलर इस पर ब्लैक रहेगा। सही है, व्हाट्सएप वाला ग्रीन कलर छाप दिया हमने। अच्छा, इसी तरह व्हाट्सएप का जो वाइट कलर है वो भी छाप लेते हैं, वो पूरा वाइट नहीं है एक्चुअली, वो थोड़ा सा वाइट से कम है वो। हाँ, अच्छा तो मैंने कहा कि यार बैकग्राउंड ना ये पता है ये किस पे लगेगा, ये लगेगा जो चैट बलून के अंदर जो माई वाला है ना उस पे लगेगा ये। सही है, और इसी तरह चैट बलून के अंदर जो योर है, हाँ क्लास का डॉट नहीं लगाया मैंने। बैकग्राउंड कलर ये वाइट आ गया। सही है, क्या किया मैंने, ये लगाई है ना यार मैंने, अच्छा नहीं ये मैंने असल में मिस्टेक की है, ये मिस्टेक मैंने ये की है कि मुझे वो सेलेक्टर ना असल में चाह रहा हूँ मैं कि वो ऐसा लगाऊँ कि वो कड़क रहे, तो ये चैट विंडो के अंदर वाला मुझे करना था, ये चैट विंडो करना था मुझे। सही है, इसमें भी मुझे चैट विंडो करना था। सही है, मैंने कहा कि चैट विंडो के अंदर जो है ना जो ये चैट बलून है ये काम करना। अबे ये क्या हो गया, बिल्कुल ही मर गया ये तो, चैट बलून में स्पेस कहाँ है। सही है, चैट विंडो के, अच्छा चैट विंडो जो है वो आईडी है एक्चुअली। सही है, चैट विंडो जो है एक्चुअली आईडी है। सही है, ये मिस्टेक कर रहा था मैं। अच्छा ये हो गया, तो कलर तो मैंने छाप दिया इसका। अब मुझे ये करना है कि जो माई मैसेज है ना जो,
यानी जो मैं मैसेज कर रहा हूँ वो मुझे राइट साइड पे दिखाना है और जो मुझे दूसरा वाला लेफ्ट साइड पे सही है। तो माई वाले पे आके मैं क्या बोलूँगा इसको कि जो है ना आप हो जाओ फ्लैक्स बॉक्स है हमारा ये एक्चुअली, ये मेरा जो चैट विंडो है ये क्या है मेरा फ्लैक्स बॉक्स है ना चैट विंडो, हाँ ये चैट बॉट ये चैट विंडो मेरी जो है फ्लैक्स बॉक्स है ये सही है। तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर अगर मैं किसी चीज़ को ये बोलता हूँ कि भाई तुम क्या हो जाओ लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, तो उसको मुझे क्या बोलना पड़ता है अलाइन सेल्फ, ठीक है अलाइन सेल्फ मैंने कहा राइट ये क्या हुआ, हाँ विड्थ मुझे इसकी कम करनी पड़ेगी, विड्थ मुझे इसकी 60% कर देता हूँ, 70 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, लेकिन उधर क्यों नहीं किया अलाइन सेल्फ, मैंने गलत लिखा है क्या अलाइन सेल्फ, और अच्छा इसमें वो फ्लैक्स एंड फ्लैक्स से स्टार्ट होता है ना, मैं गलत मैंने लेफ्ट राइट नहीं होता इसमें फ्लैक्स एंड होता है एक्चुअली, ठीक है फ्लैक्स एंड होता है योर की मैंने विर्थ कम नहीं की है, चलो योर की भी कर कम कर देते हैं, योर की कम करनी है तो फिर यहाँ लगाएंगे दोनों की 60-60%। अच्छा ये 60% भी मैंने गलत लगाया है ना, क्योंकि जब मैं जूम इन करूँगा ना ये तो ये इसको पूरा हो जाना चाहिए, जब जूम इन करूँगा तो पूरा हो जाना चाहिए उसको, लेकिन जूम इन करने पे भी ये 60 रहता है ऐसे भी 60 रहता है, तो मुझे इसको क्या करना है मिनिमम मैक्सिमम पे खेलना पड़ेगा मुझे इसको, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा मिनिमम मैक्सिमम विड्थ पे खेलना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा काम, ये विड्थ 60% नहीं होगा। मैंने कहा कि यार इसको बोलूँगा मैं कि जो है ना आपकी जो क्या होगा मिन विड्थ जो होगा ना आपका मिन विड्थ वो होगा आपका 300 पिक्सल होगा, इससे कम नहीं होने देना आपने, सही है मेन विड्थ आपका 300 पिक्सल होगा। अच्छा अब क्या होगा, अब जब मैं जूम इन करता हूँ इसको तो क्या होता है एक पॉइंट पे आके ये पूरी स्क्रीन को भी कवर कर लेता है, ठीक है अच्छा नहीं 300 पिक्सल ना बहुत कम हो गया, 300 पिक्सल नहीं इसको 400 करते हैं 350 एटलीस्ट कर देते हैं इसको, सही है 350 कर देते हैं इसको, तो ये 300 पिक्सल। अच्छा ये एक पे क्यों लगा, ये दोनों पे क्यों नहीं लगा, दोनों पे क्यों नहीं लगा यार, मिन विड्थ यार ये दूसरे पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, चैट बलून लगा तो दिया मैंने नहीं अलाइन भले ना करूं, ओके 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 गॉट इट, असल में मैंने मिन विड्थ बोला है ना मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं लगाई तो वो मैक्सिमम पूरा ले रहा है, मैक्सिमम की मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई है तो मैक्सिमम वो पूरा ले रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि यार मैक्स विड्थ भी की भी लिमिट लगा दो, मैंने कहा भाई मैक्स विड्थ जो है ना आपकी 900 पिक्सल से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए आपको, सही है 900 पिक्सल से ज़्यादा नहीं करनी आपने, अबे यार ये तो मसला पड़ गया, एक्चुअली मुझे इस पर भी लगाना पड़ेगा फ्लैक्स स्टार्ट लगाना पड़ेगा सेल्फ लाइन, अदरवाइज मसला हल नहीं होगा, मैंने जिस तरह इसको लगाया ना कि अलाइन सेल्फ और फ्लैक्स एंड, इसमें भी मुझे लगाना पड़ेगा कि अलाइन सेल्फ फ्लैक्स स्टार्ट, इस तरह मसला वरना हल नहीं होगा, ये मसला अब मेरा सेट हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको जूम इन करता हूँ तो ये एक दूसरे में पूरा अंदर तक आता है, और जब जूम आउट करता हूँ तो पूरा बाहर जाता है, अच्छा मिनिमम विड्थ अभी 350 पिक्सल है ना, इसको थोड़ा सा शायद 450 तक कर देते हैं, क्योंकि हम अभी डेस्कटॉप के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं सही तरह से, हम इसको जो है ना अभी मोबाइल वगैरह हमारी शायद उस तरह से वो नहीं है। अच्छा अब मेरा जो ये डब्बा है ना ये बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, और शायद मैंने इसका बॉर्डर रेडियस भी बहुत ज़्यादा दे दिया है, है? अच्छा ये ज़ीरो है अभी इस वक्त, ये जूम लेवल इसका ये ज़ीरो है इस वक्त। अच्छा एक काम मैंने और करना है थोड़ा सा लास्ट उसको टच देने के लिए, ये जो इन्होंने किया हुआ है ना ये वाला, ये जो लगाया हुआ नोक बनाई हुई है कोने में, मैंने ये बनानी है नोक, इसकी मेन वर्ड बोल दो,
भाई व्हाट्सएप के कन्वर्सेशन इस तरह है। नहीं नहीं ये ना एब्सोल्युटली में देखो ना पूरा किया बस। शायद अभी वाले में चेंज कर दिया उन्होंने। चलो हम ये कर लेते हैं, हम इसका अगर अगर मेन वर्थ अगर अब इसकी नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना बड़ा ही आएगा, ये हो जाएगा। पैडिंग थोड़ी मुझे लेफ्ट और राइट की पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी मुझे। हाँ नहीं चलो हम व्हाट्सएप को पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। अच्छा टॉप और बॉटम की तो ये सही है 0.5 आरईएम, लेकिन लेफ्ट और राइट की मैंने कहा कि यार पूरी जो है ना 1 आरईएम दो। लेफ्ट और राइट में बल्कि इसको 1.5 कर देते हैं और भी बढ़ा देते हैं। सही है, टेक्स्ट थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं मे बी। हाँ अभी वो ही मैंने करना है कि टेक्स्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा लिख के ट्राई करना है। अब ये मेरा जो सबसे ये वाला टेक्स्ट है ना, सबसे लास्ट वाला जो मैसेज है मेरा, इस मैसेज के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इस मैसेज को डुप्लीकेट कर देता हूँ। अगर मेरे पास लंबा मैसेज होगा तो क्या होगा, ये मैं उसको सिमुलेट कर रहा हूँ। ठीक है इस तरह से आएगा लंबा मैसेज। अच्छा ये इस तरह लंबा मैसेज क्यों आया है, मैंने इसकी लिमिट की हुई है 900 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ इसकी की हुई है, तो ये 900 पिक्सल तक मैक्सिमम लेके जाएगा इसको। ठीक है उसके बाद इसको ये रोकने लग जाएगा। अच्छा अगर मुझे स्टिल इसको रोकना है, दीवार से चिपकने से रोकना है अगर मुझे, तो मुझे फिर उसको मार्जिन देना पड़ेगा, उस साइड मार्जिन देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ ना नहीं यार दीवार से फिर भी ना चिपके, तो उसको मुझे उस साइड मार्जिन देना पड़ेगा। दे देते हैं मार्जिन भी एक इसको। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तो है, हर तरह से तो चेक किया हमने इसको अभी, इसको हम हर तरह से चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मसला आ रहा है उसको हम वहाँ देते जा रहे हैं। अच्छा तो मैंने कहा ये माई वाला जो है ना उसको दे दो आप मार्जिन लेफ्ट, और मैंने कहा कि 2 आरईएम ना आप दूर रहो उस दीवार से, या चलो 3 आरईएम दूर रहो आप कम से कम, यानी 3 कैरेक्टर जितना फासला रखो आप उससे। नहीं 3 कैरेक्टर नहीं, मतलब 16 पिक्सल कितने हुए, 16 × 32 और मतलब 30-40 पिक्सल फासला रखो आप उससे। ठीक है अच्छा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब हमारे पास छोटी स्क्रीन होगी ना तो भी ये इतना दूर ही रहेगा, बट ये सही लग रहा है, नॉट बैड। ये हम इस वक्त कितने पे आ गए हैं, 300 पिक्सल की स्क्रीन पे ही ऐसा दिख रहा है, सही है नॉट बैड। अच्छा यही काम जो मैंने वो इस वाले पे भी कर देना है, क्या लगाया था मैंने इस पर मार्जिन लेफ्ट 3 आरईएम ना, उस पे जो है मार्जिन राइट लग जाएगा। उस पे मार्जिन राइट, अच्छा वही टेक्स्ट उस पे भी ट्राई मार देते हैं एक दफा। सही है ये मैंने इधर भी ट्राई मार दिया मैसेज ये वाला, ये बड़ी स्क्रीन आ गई, सही बिल्कुल जबरदस्त हो गया, इससे अच्छा और ये हो नहीं सकता मेरा ख्याल है। अच्छा अब इसको मैंने वो नोक बनानी है इसकी, वो मैं कैसे बनाऊंगा, एक तरफ मैं चाहता हूँ थोड़ी सी ना नोक बन जाए, तो मैं ये करूँगा कि जो बॉर्डर रेडियस मैंने दिया हुआ है ना 1 आरईएम, इसको चेंज कर दूंगा मैं। सही है मैंने कहा कि 1 आरईएम और 0, सही है तो लिहाजा क्या हो गया, इस तरफ नोक बन गई। सही है दोनों में इस तरफ नोक बन गई, सही है। तो मैंने क्या करना है कि ये बॉर्डर रेडियस भी इसमें नहीं लगेगा, अभी अलग अलग लगेगा, तो ये योर्स वाले का बॉर्डर रेडियस जो है वो ये हो गया, और माई वाले का बॉर्डर रेडियस क्या हो जाएगा, वो 0 इस तरफ आ जाएगा। अरे 0, अच्छा वो तो क्लॉक वाइज चलता है ना, 1, 2, 3, तो थर्ड वाला 0 होगा एक्चुअली, ये नहीं होगा, थर्ड नंबर पर 0 आएगा, क्लॉक वाइज चलता है ये। ठीक है सबसे पहले टॉप फिर राइट और ऐसे करके, तो अब मैंने क्या कर दिया है इसको कुछ इस तरह से बना दिया है। अब यहाँ पे हल्का सा नोक आती है और यहाँ पे भी हल्की सी नोक आती है। अच्छा अगर मैंने अब क्या करना है, इसको मज़ीद इस नोक को बाहर निकालना है अगर मैंने,
तो मैं एक छोटा सा डिव बनाऊंगा यहाँ पर, छोटे से डिव को बना के ना उसके साथ इसको मैं इसके साथ रिलेटिव कर दूंगा इसको, ठीक है। कैसे करूंगा रिलेटिव, यहाँ पे मैं आऊंगा और जो मैसेज नंबर वन और मैसेज नंबर टू है ना मेरा, बल्कि सॉरी जो सबसे लास्ट मैसेज है इस पे ये वाला काम करते हैं, इस वाले पे करते हैं। सही है, एक डिव यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे, मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा एक डिव, माई के अंदर, माई के अंदर मैंने ये डिव लगाया है और मैंने इसको कह दिया कि यार आपकी जो क्लास है ना वो नोक है। सही है, आपकी क्लास जो है वो नोक है। और एक फिर योर के अंदर भी मैंने लगा दिया, मैंने कहा आपकी क्लास भी जो है ना नोक है। अच्छा, तो अब ये नोक जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा कहीं पे भी नहीं है, वो दिख रहा कहीं पे भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतना छोटा लगा हुआ है कि वो मुझे दिखेगा नहीं, ये वाले इस वाले पे कहीं लगा हुआ है वो। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, उस नोक को यहाँ से पकड़ूंगा और इस नोक को क्या दूंगा मैं, विड्थ हाइट दूंगा। मैं बोलूँगा कि विड्थ आपकी जो है वो क्या है, 5 पिक्सल है। सही है, हाइट भी आपकी जो है वो 5 पिक्सल है और कलर जो है ना आपका वो ब्लैक है, सॉरी बैकग्राउंड कलर ना, कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर जो है आपका वो ब्लैक है। तो अब मुझे ये दिखने लग गया है कि ये किस जगह पे मौजूद है, अब मुझे ये दिखने लग गया है कि ये किस जगह पे मौजूद है। इसकी विड्थ हाइट को मैं 10-10 पिक्सल कर देता हूँ। सही है, नहीं यार 1 REM कर देते हैं पूरा, 16-16 ही जाएगा ये। सही है, 1 REM कर दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे एक्चुअली करना क्या है कि इस नोक को ना मुझे यहाँ लाना है इधर और नीचे करना है इसको, ये इस जगह के साथ मैंने इसको चपकाना है। कैसे होगा ये काम, इसकी सबसे पहले मैं पोजीशन क्या करूँगा, रिलेटिव करूँगा। सही है, और मैं बोलूँगा कि लेफ्ट राइट 0। ये उधर क्यों नहीं जा रहा यार, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट से होता है, किससे होता है ये, हाँ एब्सोल्यूट से होता है। सही है, इस कोने पे ले गया मैं इसको। अच्छा, इस कोने पे ये बिल्कुल ही बाहर क्यों चला गया यार, असल में करना तो रिलेटिव से यही है ताकि ये अपने इसके रिलेटिव उसमें पोजीशन में जाए, लेकिन रिलेटिव में ये मूव, अच्छा ऐसे मूव करेगा ये। सही है, सही है, रिलेटिव करके मैं उसको उधर मूव करवा रहा हूँ यार। लेकिन एक मसला है ना इसमें, तो जब मैं इसको यूं करूँगा तो पानी साथ जा रहा है यार, चैट की विड्थ बढ़ेगी तो आगे पीछे हो जाएगा। इसको मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उस कोने में आए, उसके बाद उसको मैं रिलेटिव करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उस कोने में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो इस आइटम को जो है ना, मैं जो इसका पेरेंट है, जो इसके पप्पा हैं, जो इसको बोलना पड़ेगा कि बच्चे आप हो फ्लैक्स बॉक्स हो, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स करने से बहुत चीज़ें छिड़ गई इसकी, वो क्या छिड़ा, नहीं डिस्प्ले फ्लैक्स करने से कुछ भी नहीं छिड़ा। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सही है, और फ्लैक्स क्या कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट राइट। अरे अच्छा, इसका मैंने तो कॉलम कर दिया ना, सॉरी फ्लैक्स एंड होता है, नहीं असल में वो फ्लैक्स एंड फ्लैक्स वो नहीं होगा अब, क्योंकि डायरेक्शन मैंने इसकी कॉलम कर दी है ना, डायरेक्शन कॉलम कर दी तो अब अलाइन आइटम्स हो गया, वो चेंज हो गया। अच्छा, अलाइन आइटम मैंने इसको कहा कि यार फ्लैक्स एंड, या हाँ फ्लैक्स एंड ही होता है, उसमें भी वो तो नहीं होता। अच्छा, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पहुँचा है उस कोने पे, अब मुझे इसको यहाँ से आगे घुमाना है। सही है, अच्छा ये मैंने किसको लगा दिया, ये काफ़ी सारी स्टाइलिंग कर दी है, इसको ज़रा मैं वो तो करता जाऊँ। ये मैं चैट विंडो पे मैंने ये बात लगाई है, ये जो चैट विंडो है ना इसके ऊपर मैंने ये बात लगाई है, सॉरी चैट विंडो नहीं, किस पे, ये मैंने लगाई है चैट बलून पे, यस चैट बलून पे मैंने, यानी इस वाले पे ये बात लगाई है मैंने।
सही है। और इस नोक पे मैंने क्या क्या लगा दिया अभी तक? नोक पे मैंने ये तीन चीज़ें लगा दी हैं अभी तक। नोक कहाँ गया मेरा? अच्छा नोक इस पे मैंने बनाया ही नहीं है। सही है भाई, चैट विंडो के ऊपर नोक को जो है ना मैंने कहाँ पहुँचा दिया इस वक्त। अबे ये क्या हुआ? हाँ नहीं, चलते हैं चलते हैं। अच्छा ये मैंने असल में क्या करा, चैट विंडो के ऊपर मैंने बोला चैट विंडो का जो चाइल्ड है वो क्या हो? नोक हो। हालांकि वो चैट विंडो का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है वो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चैट विंडो के अंदर मैंने बोला कि जो माई वाला है ना, सही है, जो माई वाला है ये उसके अंदर वाले पे मैं लगा रहा हूँ। ये सही है, लग गया। अच्छा अब एक्चुअली मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो ऐसे कट मारूँगा मैं। कट कैसे मारूँगा, कट कैसे मारूँगा इसको? मुझे कैसे बनाना है इसको? यूँ बनाना है मुझे, मतलब इस पर ये भी स्क्वायर है ना, इसको मुझे यूँ कट मारना है और इधर वाला हिस्सा गायब कराना है, ऊपर वाला हिस्सा रखना है। कैसे होगा ये काम? जल्दी बताओ कैसे होगा। सी एस एस पढ़ी हुई है तुम सब लोगों ने? डिस्प्ले नन हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ये करूँ, इसको मैं बोलूँ कि बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। सही है, 5 पिक्सल सॉलिड रेड। अच्छा विर्थ हाइट इस पर मैं ना लगाऊँ, विर्थ हाइट इस पर मैंने नहीं लगाई। सही है, और 5 पिक्सल मैंने बॉर्डर दिया तो भी दिखना शुरू तो हो गया ये। अच्छा अब मैं ये करूँगी, अगर 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल और 5 पिक्सल। सही है, अच्छा बॉर्डर साइज़ का मैं अलग से लगा देता हूँ। वो बॉर्डर साइज़ एक होता है ना, बॉर्डर साइज़। अरे ये क्या हुआ, बॉर्डर साइज ही होता है ना, क्या होता है? अबे बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर, बॉर्डर राइट। चलो मैं अलग अलग लगा देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर डैश राइट। सही है, 5 पिक्सल, और मैंने कहा कि यार बॉर्डर डैश टॉप 5 पिक्सल। सही है, दो साइड मैंने बॉर्डर लगा दिया इसके, और मैंने कह दिया कि यार बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर कलर रेड। यार ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक और चीज़ होती है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड के अलावा, एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? यार वो एक चीज़ होती है इसमें से, वो यूं यूं लगा हुआ आता है बॉर्डर। मैं भूल गया यार वो कौन सी वाली होती थी इसमें से। इनसेट होता है या पता नहीं आउटसेट होता है। चलो दोनों लगा के देखते हैं, इनसेट और आउटसेट दोनों। अच्छा ये देखो कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा था मैं इसको।
सही है, कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा था, इस तरह का बनना शुरू तो हो गया ये। लेकिन ये स्टिल वो उस तरह का नहीं बना जो मैं चाह रहा था। अच्छा, एक तो ये बॉर्डर से भी हो जाता है और दूसरा इसके ऊपर ना एक वो भी लग जाता है ट्रांसफॉर्म वाला ना, एक ट्रांसफॉर्म वाला भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी लग जाती है। वेल चलो ये नो इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं वैसे अलग से दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। हैं किस पे? W3 स्कूल पे? नहीं नहीं वैसे ही हम लिखेंगे ना, मैसेज बबल स्टाइल, सही है, और लिख देंगे हम CSS। तो ये इंटरनेट पे इतने सारे भरे पड़े हैं, हम इसमें से कोई भी देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो असल में उन्होंने इसी तरह किया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफॉर्म जो होता है ना उसमें इस तरह का भी बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में इस तरह का भी बन जाता है, बड़े आराम से बन जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो इन्होंने किया हुआ है ना, ये वाला काम ये हमें करना था एक्चुअली। ठीक है, डेमो और कोड के साथ ये बना हुआ है, वो मेरे एकदम जहन से निकल गया। वो बॉर्डर को कुछ करते हैं तो जो है ना उससे वो आ जाता है। अच्छा ये आ गया आई मैसेजेस वाला, ये देख रहे हो ये अलग से लगा हुआ है पीस, ये बाकायदा फील हो रहा है इन्होंने कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से बाकायदा फील हो रहा है कि ये अलग से लगा हुआ है। तो इसका आप जब डेमो का कोड जाके देखोगे ना तो उसके अंदर उन्होंने यही किया हुआ होता है कि अलग से एक डिव लगा के ना उसको और इस तरह से सेट किया हुआ होता है कि वो लगता है कि वो नोक जैसा बना हुआ है अलग से। ठीक है, ये आ गया भाई, ये जो इतना पीस है ना इसका, ये इस तरह से अलग से बना हुआ है। ठीक है, इस पर इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके उसको ज़रा सा वो रेडियस टाइप का दिया हुआ है। तो ये यहाँ से आप बिल्कुल इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके उस जगह पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बिफोर करके दिया हुआ है फ्रॉम मी, और बिफोर करके कुछ मज़ीद इसको जो है ना ये पोजिशन भी एब्सोल्यूट किया हुआ है उस कोने पर लाने के लिए। सही है, स्टाइलिंग के लिए इसको ये काम किया हुआ है, उसकी पोजिशनिंग के लिए ये वाला काम किया हुआ है। ये दो इन्होंने काम किए हैं और जिससे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है, बॉर्डर राइट। अब इन्होंने देखो बॉर्डर ही लगाया है इसके ऊपर, लेकिन अब ये किसी ऐसी सेटिंग से लगाया है कि जो है ना वो ऐसा फील हो रहा है कि यूँ घुमा हुआ फील हो रहा है। सही है, तो चलो ये हमने लगा लिया और हमारा ये जो है ना काइंड ऑफ एक जो मैसेज का क्या कहते हैं बबल था हमारा या मैसेज की स्क्रीन थी वो हमने कंप्लीट कर ली। उसकी बीच में कोई फाइल गया इसके मैसेज के बबल के अंदर? नहीं, वो तो अब टेक्स्ट जब हो गया तो उसके नीचे आप वो भी लगा दो इमेज भी, दैट्स इट। इमेज लगा लेते हैं इसके अंदर, बोलो तो लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं तो उधर बैठा हुआ हूँ, रात तो मेरी अपनी है पूरी। अच्छा ये नोक फिलहाल इसमें से मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत टाइम हमारा ज़ाया कर लिया नोक ने। अगर इसमें IMG लगाना हो अगर तो पहले तो इमेज इसमें हम इम्पोर्ट कर लेते हैं ना यार। इमेज हमने अपने पास स्टोर की भी है क्या कोई? एसेट्स एसेट, अच्छा एसेट के अंदर कुछ splash.gif है हमारे पास, तो एक काम करते हैं मैं इसके अंदर जो है ना उठा लेता हूँ कार इमेज।
JPG सही है भाई, ये इसके अंदर इमेज आ गई हमारे पास। और बोलो सही, इस तरह से इमेज आ गई। अब ये पैडिंग शेडिंग थोड़ी सी आगे पीछे करके सेट कर सकते हो, दैट्स इट। इमेज में भी बॉर्डर रेडियस लगा देंगे, क्या मसला है? इमेज में भी बॉर्डर रेडियस लगा दो, क्या मसला है? कोई मसला थोड़ी है। ये मेरा चैट बलून है ना, चैट बलून के अंदर ये मैंने माई पे लगाया था और इस पे लगाया था। ये पिक्चर को हमने क्या कर दिया, गोल कर दिया। जाओ और बोलो। मैंने कहा चैट विंडो के अंदर पिक्चर है ना, गोल गोल हो जाए। टैग से नीचे कर दो। ये तो यार अभी यू आर द क्रिएटर ना, जो चाहो कर सकते हो। हाँ यही होता है, ऑब्वियसली यही होता है। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता ये। अच्छा जब तक रीड नहीं करेंगे जब तक वो गोल रहेगा। हाँ भाई ऐसा कैसा है, सही है यार। ये इसके फिट क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर? अरे फिट कहाँ से होगा, मैंने इसके अंदर वो लगाया हुआ है ना, पैडिंग लगाई हुई है। मैं वही कह रहा हूँ फिट क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर। फिट वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ पे इसको पैडिंग दी हुई है। ये जो इस तरफ से ये जो दूर भागा हुआ है ना, ये एक्चुअली इसलिए भागा हुआ है कि मैंने इसको पैडिंग दी हुई है इतनी, इसलिए दूर भागा हुआ है। तो ये पैडिंग मुझे इस पर से हटानी पड़ेगी, पैडिंग इस पर तो नहीं लगानी पड़ेगी मुझे। ये जो पैडिंग मैंने दी है ना इसके ऊपर, मुझे इसको हटाना पड़ेगा इसके ऊपर से समहाउ मुझे इसको। वेल यार अभी ये चलो अब दोबारा से सोचना पड़ेगा कि किस तरह होगा। या मे बी मैं काम कर सकता हूँ कि जिसमें इमेज हो उस पर कंडीशनल कोई CSS लगा दूँ, कोई कंडीशनल ऐसी CSS लगा दूँ जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो ना दिखाए उसको। ठीक है ये बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब रेंडर करूँगा उसको तो मैं देखूँगा अच्छा इसमें इमेज है अगर, तो हो सकता है कि इमेज के लिए मैं पूरा कार्ड ही अलग बना दूँ। जैसे माई और योर वाला है ना, उसमें मैं कार्ड बना दूँ अलग से कि इमेज जो है वो इस कार्ड में डिस्प्ले होगा, दूसरे में डिस्प्ले ही ना हो। तो उसमें मैं अपनी मर्ज़ी की जो चाहूँ स्टाइलिंग में अप्लाई कर सकता हूँ उसके अंदर। सही है ओके है ना। अभी तो जैसे देखो ये माई बलून और ये माई मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा है। असल तो हम ये मैप चला रहे होंगे ना, कि डेटा से डेटाबेस से डेटा आएगा उस पर मैप चला रहे होंगे, तो उस पर तो मैं बड़ी आसानी के साथ इफ़ लगा के ना पूरा कार्ड ही रिप्लेस मार सकता हूँ। मैं बोलूँ कि भाई यार यहाँ पे ना जब इमेज वाला ही मैसेज हो ना, तो चैट बलून नहीं बल्कि इमेज बलून लगाओ। इमेज बलून की बिल्कुल अलग CSS होगी। सही है तो हम ये कर लेंगे, इमेज बलून अलग से लगा लेंगे। सही है इमेज बलून। चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में जब मैप चलाएंगे ना, तो मैप चलाने के बाद जो टाइम हमारे पास बच जाएगा उसमें ये इमेज बलून का वाला काम कर लेंगे। सही है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।